दुनिया के सबसे पहले वीडियो गेम का नाम टेनिस फॉर टू था, जो कि 1958 में फिजिसिस्ट विलियम हाइगनबॉथम ने बनाया था। ये गेम बहुत ही सिंपल था, जिसमें दो प्लेयर्स को नॉब्स एंड बटन्स का यूज करके एक डॉट को कंट्रोल करना होता था, जो कि असल में एक वर्चुअल टेनिस बॉल थी। हाइगनबॉथम ने ये गेम उन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था जो कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी, जो कि यूएसए में है, वहां विजिट करते थे। लेकिन मजाक में किया गया ये आविष्कार, किसे पता था कि एक दिन मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस बन जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद गेमर्स को एक थैंक्स हाइगनबॉथम जैसे फिजिसिस्ट के लिए जरूर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि फिजिक्स जैसे अगर हार्ड सब्जेक्ट हमें साइंटिस्टों ने दिए हैं, तो वीडियो गेम जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी हमें साइंटिस्टों ने मजाक में ढूंढ के दे दिए।